बेटा ये मैकियावेली कहता है कि बेसिकली जो हकीकत है ना उसको तस्लीम किया जाए, व्हाट इज़ रियलिटी उसको तस्लीम किया जाए और उसके मुताबिक काम किया जाए। ये बेसिकली आइडियलिस्ट को कह रहा है, हमें नहीं, ये आइडियलिस्ट को कह रहा है कि आप हकीकत को तस्लीम करें, लॉ ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर को तस्लीम करें, पावर पॉलिटिक्स को तस्लीम करें। आप ये नहीं कहें कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, बल्कि जैसी दुनिया है वैसे आप उसको देखें, उसको वैसे चलाएं। जैसे दुनिया में पावर पॉलिटिक्स है तो आप पावर पॉलिटिक्स के साथ स्टेट्स को चलाएं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली वो कैसी होनी चाहिए दुनिया, क्योंकि आइडियलिस्ट जो है ना दे आर कॉल्ड यूटोपियंस। उनको यूटोपियंस क्यों कहा जाता है, वो एक अमन वाली दुनिया कायम करने के चक्कर में थे जहाँ पर ह्यूमन नेचर जो है ना वो परफेक्ट हो जाए, ऐसी सूरत ऐसी कंडीशंस ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करके जहाँ पर ह्यूमंस को यूनाइट करके एक अम्ब्रेला में, जैसे आप हम आगे चलेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आएगा जो कि है आपका कॉस्मोपॉलिटनिज्म। तो ये जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है ये भी इन्हीं की आइडियलिस्ट की एक शाख है। ही नीड टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट बाई एनी मीन ड्राइव फ्रॉम ह्यूमन नेचर। जैसे ह्यूमन नेचर जो है अपने सर्वाइवर के लिए हर वो मुमकिन करता है कोशिश, तो वैसे स्टेट भी हर मुमकिन अपने लिए कोशिश है। ये नहीं कि मतलब अब मैं वीक हूँ तो बस ठीक है मैं वीक रहती हूँ और मैं कोई इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती, इकोनॉमी को बढ़ाती नहीं, फोर्स को नहीं बढ़ाता, और ये नहीं, बढ़ाएं जितनी मुमकिन हो सके, कोशिश करें आप अपने पावर्स को इंक्रीज करें। ये कहता है कि इट इज बेटर टू बी फियर देन लव के, और एक आगे ये इसका, अ प्रिंस शुड एक्ट लाइक बोथ अ लायन एंड अ फॉक्स, ही बिलीव्स इन डुअल मॉरलिटी। मॉरल प्रिंसिपल्स हमने देखा, व्हाट इज मॉरलिटी, कि सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर ना ये रीजन डिटाट तो मैं पढ़कर आया हूँ जो कि इट इज़ बेटर टू बी फियर देन लव है, और दूसरा है अ प्रिंस शुड एक्ट लाइक बोथ अ लायन एंड अ फॉक्स। बेटा ये कहता है कि जो किंग होता है ना बेसिकली उसका डबल रोल होना चाहिए, वो डबल रोल प्ले करे, और जब वो डबल रोल प्ले करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो एथिक्स मॉरलिटी मॉरल वैल्यूज होंगे वो डबल होंगे, वो डबल स्टैंडर्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि जब वो स्टेट में होगा ही विल बिहेव लाइक अ फॉक्स, एक फॉक्स की तरह बिहेव करेगा, नोबडी। एंड अगर वो किसी और स्टेट से डील कर रहा होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ही विल एक्ट लाइक अ लॉयन। लॉयन क्या करता है, अपने जंगल की हिफाजत। फॉक्स क्या करती है, चालाकी। वो कहता है कि अ किंग शुड नेवर बी अ लॉयल फॉर हिज नेशन। किंग कभी भी अपनी कौम के लिए लॉयल नहीं होना चाहिए, ही शुड बट नॉट बी डिक्टेटर फॉर हिज नेशन। अपनी कौम के लिए डिक्टेटर था, जैसे आपने हिटलर को देखा, हिटलर वॉज डिक्टेटर, लेकिन वो उसकी डिक्टेटरशिप बाहर न होती थी, पोलैंड करना क्या, फ्रांस पे, जर्मनी बरतानिया पे, जर्मनी से बने जर्मनी का कुत्ता, तो जर्मनी जो है ना ये दो टुकड़े हो गया था बर्बाद भाग में ना, जर्मनी से वहां से वापस किया उसको, फिर वर्ल्ड वॉर टू में भी बाद में इसको दो जर्मनी के दो हिस्से कर दिए गए, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। उनका जो कैपिटल था ये यहाँ तक थे, उनके कैपिटल को भी दो टुकड़े कर दिया गया था, एक ईस्ट बर्लिन कहलाता था एक वेस्ट बर्लिन, और उसके बीच में एक दीवार लगा दी थी यूरोप वालों ने, और उनको बर्लिन वॉल कहा जाता था। ये मेरे ख्याल से अभी 2015 में उन्होंने उसको जाकर उस दीवार को तोड़ा है, बर्लिन वॉल को। तो उसके जो है ना डबल स्टैंडर्ड, वो जाना ना दोगलो अपार्ट दोगलो, तो दूसरे लफ्जों में कहें तो मुनाफिक, क्योंकि ये मुनाफिक का काम यही होता है ना, जो आपके साथ बैठता है तो वो आपका होता है, जब आपके मुखालिफ के पास जाता है फिर आपकी बुराई करता है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि जब किंग अपने स्टेट में हो तो वो अपने स्टेट उसका मॉरल प्रिंसिपल्स जो हो
वो बिहेवियर उसका जो है ना एज अ फॉक्स होना चाहिए, एज अ किंग नहीं, वो एज अ लॉयन नहीं, ठीक है। और ये ज़रूरी हो जाता है सम टाइम लर्न नॉट टू बी गुड, कि हर वक्त अच्छा होना अच्छी बात नहीं है बेटा। हम कहते हैं ना कि कत्ल करना ये बुरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त कत्ल करना बुरी बात है। सिचुएशन में सेल्फ डिफेंस में आप कत्ल कर सकते हैं, इट इज़ गुड टू बी बैड, बट सम ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, सम ऑफ द टाइम इट इज़ गुड टू बी बैड, ठीक है, नॉट ऑल द टाइम। तो ये बेसिकली प्रिंस मैकियावेली जो है ये ह्यूमन नेचर को दो तर्ज में आपको दिखाता है। पहले आपने इससे पहले कौन था थ्यूसिडाइड के बाद निकोलस कौन था, हॉब्स, हॉब्स, थॉमस हॉब्स जो है ये उसको देखें या आप उसको देखें लॉ ऑफ नेचर में थ्यूसिडाइड को देखें ना, वो स्टेट का जो है ना एक ही रोल डिफाइन करता है। वो कहता है स्टेट का एक ही रोल है, वो क्या है, पावर। मतलब दूसरे लफ्जों में कहें इसके मैकियावेली के टर्म में तो वो किंग, वो लॉयन के एक ही रोल, लॉयन का, फॉक्स का जिक्र वो नहीं करता। तो ये यहाँ पर आकर वो उसको कैटेगराइज कर देता है कि स्टेट के दो रोल होने चाहिए। अब स्टेट एग्रेसिव होनी चाहिए, ये पावरफुल होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद इन द स्टेट एग्रेसिव होनी चाहिए, आउट ऑफ द स्टेट एग्रेसिव होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ नेसेसिटी मैंने आपसे कहा ना कि अगर ये अपनी रियासत को कत्ल करना पड़ जाए तो डिफेंस के लिए कर सकते हैं, ये उनका पहले वालों का ये नज़रिया। लेकिन ये जैसे अभी 9 मई का वाक्य हुआ तो फौज ने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि दे आर फॉक्स इन आवर स्टेट, कि उनका सिविलियंस में काम नहीं है, दे आर किंग फॉर द एक्सटर्नल, जो भी आपके वो एक्टर्स हैं या जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, दे आर किंग और लॉयन फॉर द नॉन स्टेट एक्टर्स, बॉर्डर से बाहर का रोल है उनका। तो ये एक मैकियावेली यहाँ पर